डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य देश को एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और लीकेज फ्री गवर्नेंस देना था और आज हम इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को अनुभव कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए हमें अफोर्डेबल मोबाइल हैंडसेट्स और डेटा की जरूरत थी। इसके लिए हमने जरूरी रिफॉर्म्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे, आज हम दुनिया के नंबर टू प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर हैं। अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है, आज भारत 5G हैंडसेट्स का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। दो साल पहले ही हमने 5G रोल आउट शुरू किया था, आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है और अब तो हमारा लक्ष्य और बड़ा है। इस दशक के अंत तक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे भारत के युवाओं के लिए करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख जॉब क्रिएट होगी। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी इसका बहुत अधिक फायदा होगा। हमारा लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का 100% काम भारत में ही हो, यानी भारत सेमीकंडक्टर चिप्स भी बनाएगा और उनके फिनिश गुड्स भी बनाएगा।